मोनेटाइजेशन हर एक यूट्यूबर का सपना होता है। जब वो आता है यूट्यूब पे तो ये सोच के आता है कि यहाँ आकर के मैं मोनेटाइज करूँगा और यहाँ से जो है मैं अर्निंग स्टार्ट करूँगा। लेकिन जब वो मोनेटाइजेशन के पास जाता है, चाहे उसके कितने भी सब्सक्राइबर रहे हों, चाहे उसके कितने भी अच्छे फ्रेंड रहे हों, लेकिन वो उस जगह जब फंस जाता है, जब वो रिव्यू में अपने चैनल को भेजता है, क्यों? उसके मन में इतने सारे डाउट्स होते हैं कि रिव्यू में जब वो भेज रहा है तो अपने चैनल के साथ क्या करे, कैसे करे कि उसका मोनेटाइजेशन वहाँ अटके नहीं, क्या उसे किस दिन यहाँ से भेजना चाहिए कि उसका जल्दी से जल्दी मोनेटाइजेशन हो जाना चाहिए। इतने सारे वीडियोस देखता है लेकिन उसे कहीं से भी सही रिस्पांस नहीं मिलता है। लेकिन आज जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, ए टू जेड अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया ना, तो मोनेटाइजेशन से लेकर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। मतलब किसी भी दूसरे चैनल पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हर एक वो बेसिक डाउट मैं आपको क्लियर करूँगा जो आपके मन में आता है और जिसका आंसर्स आप ट्राई करके देख लीजिए, आप ढूंढ करके देख लीजिए, हर एक YouTube वीडियोस को चेक करके देख लीजिए, आपको इसके आंसर्स वहाँ नहीं मिलेंगे जो आंसर्स आपको यहाँ मिलेंगे। क्योंकि मैंने एकदम प्रैक्टिकली इस चीज़ को फेस किया है और हर एक प्रैक्टिकल दिक्कत जो मुझे हुई है उन सबको मैंने यहाँ पे एक एक करके लिस्ट आउट किया है और उसको एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और एड्स को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि काफ़ी मेहनत से ये मोनेटाइज किया हुआ चैनल है। नमस्कार, मैं हूँ संदीप एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मोनेटाइजेशन से रिलेटेड जितने भी अपने डाउट्स क्वेश्चन थे उसको मैंने पहले इस डायरी में नोट किया। इस डायरी में नोट करने के बाद जो है मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं एक एक करके इसको रीड आउट करता चला जाऊंगा और इसके बाद जो है आपको इसको क्लियर करता चला जाऊंगा। तो सबसे पहला जो इसमें डाउट आता है वो यही आता है कि मोनेटाइजेशन में कितना टाइम लगेगा। तो इसके बारे में जब आप वीडियो सर्च करेंगे ना, कोई बोलता है कि मेरे 3 घंटे में हो गए, कोई बोलता है मेरे 2 दिन में हो गए, कोई बोलता है मेरे 7 दिन में हो गए, कोई ये भी बोलता है मेरे 28 दिन में हो गए, कोई ये भी कहता है कि 2 दिन से अगर ऊपर हो गया तो समझ लीजिए कि आपका दूसरे रिव्यू के लिए चला गया चैनल। रियलिटी ये है दोस्तों कि इसको मोनेटाइज होने के लिए YouTube जो है वो 30 डेज़ का टाइम मांगता है और ये 30 दिन ले सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन के अंदर आपका अगर मोनेटाइज नहीं हो रहा है चैनल तो वो रिव्यू में चला गया। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैंने देखा ये बोलते हुए, लेकिन ये सच नहीं है। इसमें सिंपल रूल है, आप YouTube के रूल के हिसाब से चलिए। वो ये कहता है कि उसको चैनल को रिव्यू करने में 30 डेज चाहिए। वो ऐसा इसलिए कहता है कि किसी का चैनल जो है वो 150-200 उसमें वीडियोस होते हैं, किसी के चैनल में 12-14 ही वीडियोस होते हैं, लेकिन वो वॉच टाइम कंप्लीट कर लेता है और उसके सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो हर एक वीडियो को ढंग से वॉच करना, ऐसा तो नहीं कि किसी ने गलत ढंग से उसमें जो है अपने व्यूज़ बढ़ाए हैं, ऐसा तो नहीं कि गलत तरीके से उसने वॉच टाइम लिया है। इन सब का रिव्यू एक ह्यूमन बींग वहाँ पर करता है। इस बार जब रिव्यू होता है तो एक ह्यूमन बींग करता है, ना कि कोई प्रोग्राम करता है। और इसमें टाइम लगता है, इसमें कई बार 2 घंटे में भी हो जाता है, कई बार ये 7 दिन भी लगते हैं। मिनिमम 30 डेज़ का टाइम जो है आपको YouTube को देना पड़ेगा। मेरा खुद का चैनल जो है वो आपको 4 दिन में मोनेटाइज हुआ और बहुत सक्सेसफुली मोनेटाइज हो गया। तो इस डाउट को आप क्लियर कर लीजिए कि अगर 2 दिन में नहीं हुआ तो वो पेंडिंग में चला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके जो वीडियोज़ हैं उस पर कॉपीराइट ज़्यादा नहीं है वीडियोज़, यानी कि 60-40 का रेशियो है, तो फिर आपका चैनल सही से चला जाएगा। कोई भी दिक्कत अगर उसमें नहीं है, फेस कैम है तो थोड़ा जल्दी मोनेटाइज हो जाता है, क्योंकि इसमें यूट्यूब को पता चलता है कि ये बंदा जेन्युइन है, ये अपना कंटेंट लेके आया है। अगर फेस कैम नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप अगर 2 दिन 4 दिन 7 दिन 10 दिन में नहीं आता है तो डीमोटिवेट मत होइए। 30 डेज़ का टाइम एक्सक्लूसिव लिख कर रखा है यूट्यूब ने अपने कम्युनिटी गाइडलाइंस में, और 30 डेज़ का टाइम आप इसे दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि गूगल एडसेंस एंड एडवर्ड्स सेम तो नहीं है। ये वाला जो मैंने क्वेरी है ना, कितनी जगह सर्च आउट किया, हर कोई घुमा के बोलता है लेकिन सीधा जवाब कोई भी नहीं देता है। क्योंकि जब भी हम स्टार्टिंग में जब अपने पास व्यूज नहीं आते हैं तो बहुत सारे लोग एडवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि एडवर्ड्स क्या है और एडसेंस क्या है। एडवर्ड्स मतलब हो गया यहाँ पे हम पैसे लगाते हैं, किस लिए? सब्सक्राइबर गेन करने के लिए और व्यूज़ गेन करने के लिए। इसमें वॉच टाइम गेन नहीं होता है लेकिन आपका सब्सक्राइबर का रीच बढ़ जाता है। एडसेंस क्या होता है? ये आपको एक मोनेटाइजेशन के बाद जो है पिन जनरेट होता है यूट्यूब की तरह, जिसके थ्रू आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होते हैं, यानी कि आपको पैसे मिलते हैं, इससे पैसे लगाने नहीं होते। सबसे पहले तो ये डिफरेंस समझ लीजिए। अब गूगल एडवर्ड्स अलग चीज़ होता है, गूगल एडसेंस अलग चीज़ होता है, सिंपल फंडा यही है। थर्ड डाउट ये होता है कि सैटरडे संडे को YT का भी ऑफ होता है? ऐसा नहीं है, सैटरडे संडे को कोई ऑफ नहीं होता है। हाँ, मेंटेनेंस डे के रूप में काउंट होता है।
तो इस चीज़ के बारे में भी मैंने कई बार चेक किया, क्योंकि मैंने जो मोनोटेशन के लिए भेजा था तो फ्राइडे को इवनिंग 4 o'clock भेजा था मैंने, और ये जो है मेरा सैटरडे संडे को नहीं हुआ तो मुझे खुद को ही डेली आउट हो गया कि ऐसा तो नहीं कि उनका भी ऑफिशियल जो है वीकेंड होता है, तो ऐसा नहीं है। जब इसको मैंने बहुत अच्छे सूत्रों से कन्फर्म किया तो मुझे ये पता चला कि इनका ये मेंटेनेंस डे में होता है और इसका जितना भी बाकी चीज़ें हैं वो मंडे को वो क्लियर करते हैं, क्योंकि उस दिन जो है ये मेंटेनेंस में चला जाता है, तो मेंटेनेंस टाइम चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ऑफ होता है। कई लोगों को आप देखेंगे सैटरडे संडे में भी मोनेटाइज हो जाता है, वर्किंग स्टाफ उनके पास कम होता है। वैसे भी अभी कोरोना का भी सीजन चल रहा है, मेरे वाले केस में तो बात अलग है, पर वैसे नॉर्मल में भी जो है इनके पास स्टाफ उस दिन सैटरडे संडे को कम रहता है और ये यूट्यूब मेंटेनेंस में चला जाता है। तो कोशिश किया ना कि मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में ही मोनेटाइजेशन के लिए भेजें। सैटरडे संडे अगर इंक्लूड हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मोनेटाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या मोनेटाइजेशन के बाद हमें अपने वीडियोज़ देखने चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखने चाहिए। आपको अपनी वीडियोस नहीं देखनी चाहिए, अपने मोबाइल पे तो बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। जिस नेटवर्क से आप अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब वीडियोस को, उस नेटवर्क का भी इस्तेमाल नहीं करना है। घर में भी जो है वाइफ के या फिर पेरेंट्स के किसी के मोबाइल से आपको नहीं वॉच करना है। वॉच करना भी है तो कुछ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी रहेगी, दूसरा वाईफाई रहेगा या दूसरा जो है आपका नेट रहेगा, और उस नेट कनेक्शन के आधार पे एक या दो बार आप प्ले कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि फ्रेंड्स रिलेटिव्स के मोबाइल से बार बार प्ले कर रहे हैं, वो फिर से स्क्रूटनाइजेशन में चला जाएगा वाईटी के, और उसके बाद डिमोनेटाइजेशन का खतरा जो है आपके चैनल पर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या हमें अपना चैनल विजिट कर सकते हैं आफ्टर मोनेटाइजेशन? विजिट कर सकते हैं। YouTube ये कहता है कि आपको जो है अपने जाके वीडियोस को नहीं देखना है, उसके एड्स पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको एड्स नहीं देखने हैं, ये नहीं कहता है कि आपको विजिट नहीं करना है। इसका जवाब भी ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया, मुझे YouTube पे कहीं नहीं मिला, लेकिन ये कन्फर्म है कि आप अपना चैनल विजिट कर सकते हो, सिर्फ आपको अपने वीडियोस नहीं देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या एडसेंस नया बनाना चाहिए? देखिए, ये अक्सर डाउट होता है, कभी कई बार क्या होता है जब हम अपना मेल आईडी क्रिएट करते हैं, वाईटी चैनल क्रिएट करते हैं, तो हमें ये मन में डाउट होता है कि जब हम मान लो गलती से एडवर्ट्स लगा दिया उसको एडवर्टाइज़ करने के लिए, तो एडसेंस क्रिएट तो नहीं हो गया, और ये हर किसी के मन में होता है। इस डाउट्स को किसी ने कोई भी क्लियर नहीं कर पाया हमें, हालांकि ऐसा होता नहीं है। एडसेंस जो है अलग चीज़ है, एडवर्ट्स अलग चीज़ है, पहली बार ही आपका एडसेंस क्रिएट होता है, लेकिन डाउट ना रहे, आपका चैनल जो है सख्ते में ना चला जाए, रिव्यू में फंस ना जाए, तो इससे सेफ ये रहता है कि आप एक नया ईमेल आईडी बना लें और उसको सेफली रखें, उसके पासवर्ड को कहीं लिख लें, उसके पिन को कहीं लिख लें, उसको गुम ना होने दें। क्योंकि कॉमन में प्रैक्टिकली मैंने ये भी देखा, एक फ्रेंड को मेरे एडसेंस से रिलेटेड तो नहीं था, लेकिन वो क्या किया, उन्होंने जिस जीमेल आईडी से अपना चैनल को उन्होंने क्रिएट किया था उसका वो पासवर्ड भूल गई और उसको लॉगिन वो नहीं कर पा रही हैं, और उनका अच्छा खासा ग्रोथ किया हुआ चैनल वहीं पर रुक गया और उनको नया चैनल खोलना पड़ा, क्योंकि अपलोड करने के लिए कभी भी वो पासवर्ड मांगता था तो वो, और सबसे दिक्कत क्या थी कि पासवर्ड तो सेट हुआ था लेकिन उसका उन्होंने रिकवरी मेल नहीं सेट किया था और उसमें कोई मोबाइल नंबर नहीं सेट किया था। इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जब भी आप कभी भी चैनल क्रिएट करते हैं तो एक रिकवरी मेल ज़रूर बनाएं, साथ के साथ में एक जो है आप उसमें मोबाइल नंबर ज़रूर रखें और उसको कहीं लिख लें, क्योंकि किसी और के पास तो नहीं जाना चाहिए लेकिन आपको खुद को तो याद रहना ही चाहिए। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, क्या हमें एड्स रन करने चाहिए कम व्यूज़ होने पे? बिल्कुल, एड्स आप रन कर सकते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी करते हैं, आपको बताते नहीं हैं लेकिन एड्स रन करते हैं, ऐसे ही उनके व्यूज़ नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर लेवल इतना नहीं बढ़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर तक आपको लोग देखने आएंगे, आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर आपको अपनी रीच बढ़ानी है तो आप एडवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी बट इट्स नॉट, आपके चैनल को हार्म भी नहीं पहुंचाएगा, वो आपके सब्सक्राइबर लिस्ट को वो बढ़ाएगा, तो आप एडवर्ड्स का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, काफ़ी इजी है उसको यूज़ करना। नेक्स्ट है, क्या हमें CTR से एडसेंस ब्लॉक होता है? नहीं होता है। आप अच्छा खासा बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, लोग आपको तरह तरह के वीडियोस बताएंगे कि होता है, नहीं करना चाहिए, होना चाहिए। CTR बढ़ने से आपका एडसेंस डिसेबल नहीं होता है दोस्तों। एडसेंस डिसेबल होता है जब आप अपने मोबाइल से अपने वीडियोस को वॉच करते हैं, जब आप एड्स को रन करते हैं फ्रिक्वेंटली, जो है जो आप नेटवर्क यूज़ करें उस नेटवर्क से अपने घर में बैठ करके वॉच करते हैं, अपने वीडियोज़ को बार बार यूज़ करते हैं और जो है लैपटॉप से उसको चलाते हैं या फिर VPN का इस्तेमाल करते हैं, तभी एडसेंस आपका डिसेबल होता है या फिर जो आपका चैनल जो है वो डिमोनेटाइज होता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि CTR से एडसेंस ब्लॉक नहीं होता है। फिर भी प्रिकॉशनरी, आप उसको 15% से CTR के ऊपर ना जाने दें। इसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेज़र हैं, अगर आप बताएंगे तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा कि जब आपका चैनल डिमोनेटाइज
होता है, जब आपका सॉरी चैनल मोनेटाइज होता है तो उस टाइम पे आपको क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए, जो आपके मोस्ट वायरल वीडियोस होते हैं उसमें स्किपेबल एड आपको हटाने हैं, और जो आप अपलोड करने जा रहे हैं कुछ अपने वीडियो उस पर भी आपको स्किपेबल एड्स हटाने होते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टैक्स फॉर्म आपने भरा, 31 मई जो है इसका लास्ट डेट है टैक्स फॉर्म भरने का। जो भी US रिलेटेड आपके एड्स रन होंगे उसमें फिर आपका 24% काट लिया जाएगा, बशर्ते आपका कितना भी रेवेन्यू बन रहा हो। तो अगर आप इस टैक्स फॉर्म को भरते हैं तो वो 50% पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आपके बाकी के पैसे बच जाएंगे। तो इस टैक्स फॉर्म को ज़रूर भरें। मैंने मोनेटाइज होते ही सबसे पहले टैक्स फॉर्म को ही भरा, और इसके बाद जो है अब ठीक है जितना देना है वो तो दे देंगे हम, लेकिन कुछ तो हमारा रिबेट बचेगा ना इसके ऊपर। तो इस चीज़ को आप काफ़ी ध्यान से रखें। देखिए मैंने काफ़ी ध्यान से उन क्वेश्चंस को लिया जिसके आंसर्स मुझे नहीं मिले थे, और मैंने ये सोचा कि जिनके चैनल मोनेटाइज होने जा रहे हैं उनको ज़रूर ये सब पता होना चाहिए। और सबसे एक बहुत बड़ा डाउट लोगों को ये होता है कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे होते हैं तो क्या हमें पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। ये मेरे इंस्टा पे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक ही जवाब है दोस्तों कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे होने पर आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। आपको इसके बाद फिर से मेहनत करनी होती है कंटेंट के ऊपर। $10 आपको कमाने होते हैं एडसेंस के पिन के लिए, $100 कमाने होते हैं मिनिमम आपको जब आपको पहला पेमेंट चाहिए होता है। तो अभी जो आपकी मेहनत शुरू होती है ना कि ख़त्म होती है। जो ये हल्ला करके उठते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वो सिर्फ एक हवा है, आपको है मेहनत करनी है। फिर से जो है आपको एक जगह पे मुकाम पे पहुंचना है, आपको एक कंटेंट अच्छा बनाना है ताकि आपको व्यूज़ आएँ। जब व्यूज़ आएंगे तब आपकी रीच बढ़ेगी, तब आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तब आपका जो है मुद्राएं अशर्फियां डॉलर्स बढ़ेंगे, और तब जो है आप अपना पेमेंट देख पाओगे। और देखते हैं कि पहला पेमेंट कितना आता है, कितने लोगों ने तो गाड़ियाँ खरीदी हैं उससे, कितने लोगों ने तो घर भी बना लिया उससे, देखते हैं। और जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेशनल वीडियो है, हर एक सवाल का मैंने जवाब दिया है। और भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप बताइए, उन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, प्रैक्टिकली मिलेंगे, एकदम ग्राउंड लेवल पर मिलेंगे, और 100% ऑथेंटिकेटेड मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। गौतम बुद्ध का प्रकाश आपके जीवन में सदैव यूँ ही बना रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।